हेलो, वेलकम टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? मुस्कान, हेलो बच्चा, आप मुझसे पहले आ गए हो क्लास में, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। बाकी बच्चों को तो शायद आना नहीं है, वो बोर हो गए हैं, या फिर उनको अलग टाइमिंग सूट करता है, अपना टाइमिंग सूट नहीं करता है। तो भाई बच्चों, जहाँ पर भी हो, मेरे को किसी दिन आके क्लास में बता तो जाओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? स्पीड स्लो है, फास्ट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक्सप्लेनेशन का तरीका चेंज करना है, एक बार आके कोई कंप्लेन तो करके जाओ ना। आ जाओ क्लास में एक आधे दिन, फिर अपने टाइम पे देखते रहना क्लासेस। प्रॉब्लम बता के जाया करो, ठीक है? मतलब कि इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, अपने डाउट्स जरूर दे दिया करो। अगले दिन मतलब वीडियो में मैं समझा दूंगी आपको, जैसे भी टाइम लगता है आप देख लेना। तो भाई ऐसा मत करो कि रोज ही क्लास नहीं लगानी है, एक दो दिन मत लगाओ, फिर एक दिन लगा लो, एक दो दिन मत लगाओ, एक दिन फिर लगा लो, ऐसा तो कर लो कम से कम। ठीक है बच्चा, तो कंप्लेन खत्म हो गई है, अब क्लास को शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो कल वाली क्लास में कोई डाउट है बच्चा तो एक बार मेरे को बता दो, और आज वाला हम वही टॉपिक है हमारा, प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, आज हम करने वाले हैं सबसे पहले एडिशन का जो लॉ है इसके अंदर वो क्या होता है। वैसे तो हमने कर लिया है, पर क्वेश्चंस में करेंगे एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम है बच्चों, ये रही, और इसका प्रूफ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 3-4 पेज का दिया हुआ है जो कि हम नहीं करने वाले। जब एक लाइन याद करने से काम चल रहा है तो क्यों करने। देखो, हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए और बी दो इवेंट हो गए हमारे, ऐसा हमारा सैम्पल स्पेस दिया हुआ, उसमें से दो ये हमारे इवेंट हो गए हैं। तो दोनों इवेंट की यूनियन की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? ए की इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। ये लाइन आपको याद करनी है, और आई थिंक याद भी है, ठीक है? तो इसके आगे हम कुछ करने नहीं वाले, सिर्फ इस लाइन को याद करेंगे, और ये 4 पेज का प्रूफ है। आपको नोट्स मिल जाएंगे अच्छे से, किसी का मन करे तो देख लेना, बाकी ज़रूरी नहीं है बच्चों, ना मैं करने की एडवाइस देती, ठीक है? हम इसको बिल्कुल भी याद, वो लाइन लाइन याद करेंगे, बस ये प्रूफ याद नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये देखो, हैंस प्रूफ करके 3-4 पेज के बाद आ जाएगा हमारे पास कि ये वाली लाइन ट्रू है, और ये बन गया हैंस प्रूफ। तो आपको ये लाइन याद हो गई होगी जब तक मैंने 4 पेज निकाल लिए हैं। उसके बाद एक और आ जाएगा, अब डिडक्शन क्या है, इसी थ्योरम से जो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, इससे हमने एक और थ्योरम निकाली। वो क्या है, देखो कि अगर 3 इवेंट है ए बी सी, ठीक है, अगर 3 इवेंट है ए बी सी, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यूनियन में कैसे आएगी? देखो, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी प्लस सी की प्रोबेबिलिटी, प्लस कर दिया, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, माइनस में बी इंटरसेक्शन सी, माइनस में सी इंटरसेक्शन ए, ये आ गए तीनों माइनस में। अब यहाँ पर एक एडिशन फैक्टर है, प्लस करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। तो आई थिंक ये भी लाइन याद हो गई है, और इसका भी प्रूफ हम नहीं करने वाले, ठीक है? और आप भी नहीं करें तो बेटर है, किसी को समझने का मन करे तो नोट्स में से समझ लेना, ठीक है बच्चा? हम नहीं करने वाले इस प्रूफ को, ये लाइन हमें याद करनी है, ठीक है? इनके बेसिस पे क्वेश्चन हम करेंगे सारे। अब ये कुछ बातें हैं भाई, इनको बिल्कुल ध्यान से समझना। स्टेटमेंट में आपको ये नहीं दिया होगा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ठीक है, ना ये दिया होगा ए यूनियन बी निकालो। ये थ्योरी में लिख देंगे, और हमें मतलब निकालना है कि हमें क्या चाहिए उसमें से स्टेटमेंट देख के, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगी। देखो, अगर ऐसा आता है नॉट नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, कोई भी इवेंट है उसकी नॉन हैपनिंग का जिक्र होता है, तो आप क्या निकालोगे? ए कॉम्प्लीमेंट। ए नहीं निकालोगे, ए कॉम्प्लीमेंट। कब निकालोगे? जब एक इवेंट की नॉन हैपनिंग का, हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और हमसे पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग, तो उसने ये नहीं कहा ना डायरेक्ट कि आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आपको निकालना है, पर उन्होंने दिया क्या हुआ है, नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, तो आप क्या निकालोगे? ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, दो इवेंट होंगे या दो से ज़्यादा इवेंट हो जाएंगे, क्वेश्चन में हमें दिया होगा हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन अमंग इवेंट्स। दो इवेंट हैं, उनमें से किसी एक, एटलीस्ट वन हैपनिंग, भाई एक ही हो रहा है, दो दिए हुए और एक ही हो रहा है, कम से कम एक होगा, तो दोनों भी हो सकते हैं। ऐसी स्टेटमेंट दी होगी तो आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे ए यूनियन बी, कब? जब एटलीस्ट वन हैपनिंग दिया हो, मतलब किसी एक के होने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी हो, तो आप क्या निकालोगे? ए यूनियन बी। क्लियर है? इस वाले पेज को ना
एक बार के बजाय दो बार पढ़ना है, मैं पढ़ा रही हूँ समझा रही हूँ, इसके बाद भी आपको दो बार पढ़ना है क्योंकि बहुत हेल्पफुल होएगा यही पेज हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर दिया हो हैपनिंग ऑफ बोथ इवेंट, जैसे कि मैं कह दूं मैंने एक शफल किया हुआ कार्ड है हमारे पास, 52 का बंडल है, उसमें से मैंने एक निकाल लिया क्लब का कार्ड है, दूसरा मैंने कह दिया किंग्स है, ठीक है। अब मैंने कह दिया दोनों हो रहे हैं हैपनिंग ऑफ बोथ, तो आप क्या निकालोगे, दोनों की इंटरसेक्शन निकालोगे। अगर मैं कह दूं एटलीस्ट वन ऑफ देम इज हैपनिंग, कोई एक हो रहा है, या तो क्लब का कार्ड आ रहा है और लिखा हो सकता है बीच में, आइधर तो वो कार्ड किसका है, क्लब है, आइधर तो वो किंग है, तो आप क्या निकालोगे, दोनों का यूनियन निकालोगे। और लिखा हो तो यूनियन निकालोगे, एटलीस्ट वन हैपनिंग होगा तो भी आप यूनियन निकालोगे। अगर कह दे दोनों हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं बिल्कुल श्योर है हैपनिंग ऑफ बोथ इवेंट, तो आप क्या करोगे, दोनों की इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन में ए भी होगा बी भी होगा, क्लियर है। नेक्स्ट है, नाइदर ए हो रहा है नॉर बी, ना तो ए हो रहा है ना बी हो रहा है, तो क्या निकालोगे, देखो ए नहीं होगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट, बी नहीं होगा तो बी का कॉम्प्लीमेंट, और कह दिया कि दोनों ही नहीं हो रहे तो दोनों का इंटरसेक्शन ले दोगे, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, हमने डी मॉर्गन ला पढ़ा था ना, उसके अंदर क्या होता है, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, ए हैपन्स बट नॉट बी, अगर हमें कहा जाए, जैसे मैंने कहा कि एक तो क्लब का कार्ड है दूसरा किंग का कार्ड है, तो मैं कह दूं कि वो कार्ड क्लब का हो सकता है पर किंग नहीं हो सकता, तो आप क्या निकालोगे, ए जो हो सकता है ना वो तो लेना है प्योर आपने, और जो नहीं हो सकता उसका लेना है इंटरसेक्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट। देखो जो दो इवेंट है उनमें से एक का होना श्योर है, हमने कह दिया ये होगा पर इवेंट दो दिए हुए थे, तो आप क्या करोगे, जो हो रहा है वो तो जेन्युइन, इंटरसेक्शन जो नहीं हो रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है और ये निकाल के दिखाना है, क्लियर है। उसी तरह दूसरा भी हो जाएगा, मतलब अगर ऐसा दे रखा हो कि ए तो नॉट हैपनिंग है बी हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी सिंपल, क्योंकि बी हो रहा है ना वहां पे। नेक्स्ट देखो क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हैपनिंग, भाई दो है दोनों में से कोई एक इवेंट हो रहा है तो क्या करोगे, एग्जैक्टली वन है, एग्जैक्टली वन का मतलब क्या, देखो आपको ये लेनी है, पहली बार तो यहाँ पर ए हैपन्स कर रहा है, ठीक है, दूसरी बार में देखो क्या कर रहा है, बी हैपनिंग है, इन्होंने बोला कि एक तो ज़रूर हो रहा है, जैसे कि ऐसे दिया हो दो बच्चे हैं और दोनों का एडमिशन हो रहा है किसी कॉलेज में लगा लो, तो प्रोबेबिलिटी पूछी है, भाई एक का तो होगा ही होगा, दो बच्चे थे मान लो एक सीट है, ऐसा आ जाए कि एक का तो होगा ही होगा, आपको ए की प्रोबेबिलिटी दी हो बी की भी प्रोबेबिलिटी दी हो कि होने के कितने चांसेस हैं। अब आपको कहा जाए एग्जैक्टली एक का एडमिशन होगा, प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी, मैं इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको, जैसे कि मान लो ए इवेंट दे रखा है, इसकी दे रखी है 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3, ठीक है, माननीय भाई मैंने ऐसा है नहीं है, मतलब सेल्फ मेड क्वेश्चन है, कुछ एरर भी आ सकती है पर समझो एक बार इसको। तो देखो इन्होंने कह दिया अभी एग्जैक्टली एक का एडमिशन तो पक्का होगा, एग्जैक्टली एक का एडमिशन तो पक्का होना है, तब देखो आप यहाँ से निकालोगे पी ऑफ ए नोट, वो कैसे निकलेगा, 1-1/2, तो ये आ गया 1/2, यहाँ से आप निकालोगे पी ऑफ बी नोट कितना हो जाएगा, 1-1/3, तो 2/3। अब देखो आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का इंटरसेक्शन इसके साथ देखना है और इसका इंटरसेक्शन देखना है इसके साथ, ठीक है, और फिर वहाँ पे उन दोनों का क्या ले लोगे, यूनियन ले लोगे, तो ये देखेंगे हम आगे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें एक और टर्म दी होगी जहाँ से हम ये निकाल लेंगे, मतलब ये चीज़ें निकाल लेंगे, ये आगे भी आएगी, इसका एक और मतलब बता दो बच्चों मैं आपको, क्या देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये ए है ये बी है, अब इन्होंने कहा है बी का तो लेना है कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ये रहा, ठीक है, फिर साथ में क्या लेना, देखो यूनियन इंटरसेक्शन लेनी है ए के साथ, तो ए की इंटरसेक्शन क्या बनेगी, सिर्फ जो मैंने ब्लू वाला पोर्शन किया है, देखो ठीक है ये बनेगा,
तो अब आपको निकालना है ये वाला पोर्शन जो मैंने अभी क्वेश्चन किया, उसके अंदर हमें क्या निकालना है, देखो पी ऑफ निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है। ध्यान से देखो ये कौन सा एरिया है, आप ए में से ना ये इंटरसेक्शन निकाल दो, ये किसके इक्वल आएगी ये चीज़, ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। तो क्वेश्चन में ना आपको जो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दिया हुआ था साथ में ना इंटरसेक्शन दी होगी, ताकि आप माइनस करो और ये वाला एरिया निकल आए। ये एरिया समझ आ रहा है शेडेड जो किया बच्चों, ये देखो ये वाला एरिया चाहिए हमें, जो मैंने ये लिखा है ना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसमें ये वाला एरिया आएगा। और अगर ऐसे लिखा हो कि बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं दूसरे कलर में लिख दूं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो देखो ए का कॉम्प्लीमेंट होएगा ये वाला जो मैं ब्लैक कर रही हूं, ठीक है ये वाला हो जाएगा टोटल। और उसके साथ देखो क्या है इंटरसेक्शन बी का, तो बी का इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों, देखो रेड में लिख दूं, नहीं रेड कलर देख लेते हैं, ग्रीन है ठीक है, ये देखो दिख भी नहीं रहा है तो कलर, अच्छा भाई आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा शेड कर दिया मैंने, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं कैमरा में क्योंकि ये लाइट सा कलर है ना, ये बनेगा आपका क्या, और कर दूं मैं इसको डार्क एक बार, देखो भाई इंटरसेक्शन को खाली छोड़ा हुआ है। और ये बता दो मेरे को ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई है, अच्छा मुझे ये बताओ एक बार ये बी दिख रहा है हाईलाइट क्या हुआ, हाँ भाई दिख रहा है मेरे को कैमरा में दिख रहा है, आई थिंक आपको भी दिख रहा है। और ये जो बीच वाला स्पेस है देखो ये खाली है, ये जो ब्लैक किया ना मैंने अब ये खाली है, ये किसी में भी नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है ना वो तो ये येलो वाला एरिया है, येलो वाला एरिया है, और जो ये ब्लू वाला एरिया ये कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्लियर हुआ तो मेरे को एक बार कमेंट करके बताना ये समझ आया कि नहीं, ओके बच्चा कल वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार मेरे को ये चीज़ और बताओ, हाँ समझ में आ रहा है क्या, मेरे को दिख रहा है फ़ोन में ये हाईलाइट हो गया बी वाला, ये तो है ए, जो ये ब्लू एरिया किया हुआ है ना ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। और ये निकालते कैसे हैं, देखो आप सोचोगे निकालने कैसे, चलो डायग्राम में तो समझ आ गया, ये आप ऐसे निकालोगे, देखो आपको पी ऑफ ए गिवन होगा पी ऑफ बी गिवन होगा, ठीक है दोनों गिवन है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन होगा, तीन टर्म्स गिवन है। अब देखो ब्लू वाला निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो ब्लू वाला एरिया है उसके लिए आपको पी ऑफ ए में से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है, ठीक है। और जो येलो वाला एरिया है उसके लिए आप क्या करोगे, पी ऑफ बी में से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करोगे, ठीक है। तो ये दोनों एरिया निकल आएंगे, साफ साफ निकलाएगी प्रोबेबिलिटी। अब दोनों का यूनियन कर दो, दोनों का क्या यूनियन, देखो ब्लैक को छोड़ के ना ये ब्लू और ये वाला एरिया ये बचेगा, जहाँ पर भी इनमें से एक का एडमिशन तो पक्का होगा, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होएगा, भाई ये थ्योरी है, क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन समझा देंगे, ये समझ आया, ओके अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ये एग्जैक्टली वन हैपनिंग था भाई, जरूरी है इसलिए ऐसे समझाया। अब आगे देखो क्या है, नॉट मोर देन वन हैपन्स इन ए एंड बी, भाई एक से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्या है एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक होगा नॉट मोर देन वन हैपन्स। तो आप क्या करोगे, देखो ये भी हमने किया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यूनियन में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, साथ में यूनियन लेना भी ए नॉट और बी नॉट का भी। ध्यान से देखो क्या है, यूनियन लिया है आपने किसके साथ, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का, अच्छा इसका भी मैं डायग्राम समझा देती हूँ आपको, ये ए है ये बी है, देखो ध्यान से ये क्या कहता है कि ब्लू वाला एरिया आएगा, एक बार मैं ना इसको हाईलाइट करके फिर देख लूँ आपको नज़र आ रहा है क्या, ये देखो जो पहले वाली स्टेटमेंट है वो तो ये होगी, अब दूसरे वाली देखो क्या है, ए नॉट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ, तो भाई ये वाला बनेगा,
ये बीच में जो इंटरसेक्शन है ना, ये खाली है बच्चों, ये नहीं आएगी बस। ठीक है, दोनों नजर आ रहे हैं, बीच वाला ब्लैंक खाली है बच्चों। साथ में क्या लेना है, देखो, ए नोट। ए नोट मतलब क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये रहा ए का कॉम्प्लीमेंट। अभी मैं बी को खाली छोड़ रही हूँ बच्चों, देखो ये भी आएगा साथ ही साथ, और इंटरसेक्शन किसके साथ है, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला हो गया। ठीक है, मतलब ये जो बाहर वाला रीजन है, ये बेसिकली इन तीनों का यूनियन कहता है भाई, एग्जैक्ट नॉट मोर देन वन हैपन्स। इन तीनों का यूनियन लेना आपने, किसका, इस वाले ब्लू का, इस वाले ग्रीन का, और जो ये बाहर किया हुआ है इस वाले का, इन तीनों का यूनियन लोगे आप। और ये निकलेंगे कैसे भाई, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ फैक्टर्स दिए होंगे निकालने, हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, देखो, ए हैपन्स व्हेन एवर बी हैपन। भाई एक काम कब होगा, जब दूसरा होगा। अगर मैं कह दूं जैसे कि मेरा मान लो कहीं एडमिशन होना है, तो वो कंडीशन ये है कि अगर मेरे फ्रेंड का होता है तो मेरा होगा। प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ कैसे, अगर मेरे फ्रेंड का एडमिशन होता है तो मेरा होगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ तो कैसे होगा ये केस, भाई ए जो है ना वो बी का सबसेट है जिसका पहले होना। देखो ए हैपन कब करेगा, जब बी हैपन करेगा, मतलब दोस्त का एडमिशन होगा तो मेरा होगा, तो मेरा वाली जो कंडीशन है वो दोस्त वाले की क्या है, सबसेट है। ठीक है, आगे देखो क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एक और केस है बच्चों। ये तो आपको पता ही है कि ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो इंटरसेक्शन क्या होती है, फाई आती है, मतलब जीरो होती है, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें थी, और इसको एक बार क्लास खत्म होने के बाद भी जरूर पढ़ लेना, और जब भी आप क्वेश्चन करते हो तब पढ़ लेना। ठीक है, आवाज आते हैं एक बार, ये जो मैंने कल भी बताया था कि 52 कार्ड्स कैसे होते हैं, एक बार और देख लो। इसमें ना 26 तो रेड होते हैं, 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ आएगा बिल्कुल, वैसे तो आप प्ले कर लेते हो, आपको अच्छा पता है, पर फिर भी मेरे को आज ये मिला इसलिए मैंने सोचा कि रख लेते हैं इसको। अब देखो जो रेड वाले हैं, 26 26 हो गए, तो रेड में एक तो डायमंड आएगा, ये वाले ऐसे वाले होते हैं नहीं, ये डायमंड के होते हैं, और इसके बाद ही ये हार्ट वाले आएंगे। ये देखो, ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ, ये इसका किंग का है। ठीक है, तो ये 30 13 होते हैं, उसके बाद ये स्पेड का ब्लैक कलर का होता है, और क्लब का भी क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, ये तो इनकी डिवीज़न थी, और ये मान लो इनको अगर ड्रेस बोले ना कि भाई ये वाली कलर की ड्रेस है, ये कलर की ड्रेस है, तो इस ड्रेस के भी 13 कार्ड होते हैं, इसके भी 13, इसके भी 13 और इसके भी 13। ठीक है, ये क्लब का था। अब देखो डायमंड के ये होते हैं ना सारे, ए से लेके ये, मतलब 13 होते हैं, आपको पता ही है सारों के 13 13 है इन सारी ड्रेसेस के। और नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब ये सारी वो देखो, ये चार सूट हैं, क्लब, स्पैड, डायमंड, हर्ट, ये चार सूट हैं, और हर एक सूट के अंदर 13 कार्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, जे के क्या वो, मतलब जोकर, क्वीन और किंग वाले, ये फेस कार्ड होते हैं। इनको कोर्ट कार्ड भी बोल देते हैं या पिक्चर कार्ड भी बोल देते हैं। इनके अंदर ना 9 तक के नंबर होते हैं, और ए लिखा होता है उसको हम 1 मानते हैं। ठीक है, 2 से लेके हर एक के अंदर इतनी वो होती है, वैल्यूज आती हैं। और इसके अंदर टोटल कितना होता है, देखो एक कार्ड के ना 4 फेस होते हैं, मतलब जो एक कार्ड होता है उसके 4 4 फेस मिलते हैं ना। ए है तो वो चारों कलर में मिलेगा, 1 है, 1 तो खैर आ गया है के अंदर, 2 3 4 5 ये सारे 4 4 कलर में मिलते हैं, ये सारी इसकी डिटेल्स हैं। इसको आप इग्नोर कर देना, आपको आती है ये। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। भाई क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लेंथी नहीं हो गया? ओके, हमें ये निकालना है। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक, 52 का पैक है, तो आपके सैंपल स्पेस में कितने नंबर आएंगे, 52। उसके बाद देखो क्या है, एक इवेंट क्या है, गेटिंग अ स्पैड, स्पैड मिल रहा है आपको, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, देखो सैंपल स्पेस कितना बन गया आपका, 52। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि स्पैड का कार्ड है, ए इवेंट मान लिया मैंने स्पैड आने का। ध्यान से देखो, ड्रॉइंग आ कार्ड है ना, सिर्फ एक ही कार्ड निकाल रहे हैं ना, तो ये होगा तो कैसे, 15C1 आएगा, तो 52 ही आएगा हमारे पास, 52C1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये स्पैड होना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, देखो स्पैड के कितने कार्ड होते हैं, 13, तो 52 में से ना
जब 52 नहीं आएगा 13C1, वो कार्ड स्पेड कौन है कि 13 होते हैं, 13 में से 1 बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 13। और पी ऑफ ए कितना बन गया अब, अच्छा ये इवेंट है, मतलब ये इवेंट ई हो रहा है और पी ऑफ ए बनेगा अब एन ऑफ ई, तो ये बन गया 13 अपॉन में 52, तो ये आ गया 1/4। क्लियर। उसके बाद देखो क्या है, गेटिंग अ पिक्चर कार्ड, पिक्चर कार्ड कितने, देखो किंग क्वीन और जैक तीन है, तो ये देखो किंग कितने होते हैं 4, क्वीन कितनी होती है 4 और जैक कितने होते हैं 4, तो टोटल कितने बन गए 12 हो गए, 12 कार्ड आ गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो नंबर ऑफ बी इवेंट ये कितना बन गया 15C3, अच्छा 15C1, एक ही कार्ड निकाल रहे हैं ना, तो ये कितना आ गया 12, अच्छा 12C1, मैं 15 क्यों बोल रही हूँ, ओके तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है हमारे पास 52, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी बन गई 12 अपॉन में 52। ये क्लियर हुआ बच्चों, ये देखो कॉम्बिनेशन ना, मैं जब स्कूल में थी मैंने कैसे किया था मैं वो बता देती हूँ, जैसे कि कार्ड अपने को याद हो जाते हैं, तो देखो इन्होंने बोला कि भाई स्पैड आने की प्रोबेबिलिटी, स्पैड की कितने है 13 है, टोटल कितने है 52, तो एक स्पैड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई है 13 अपॉन में 52। कॉम्बिनेशन मत लगाओ, एक ही कार्ड आ रहा है ना, जब दो कार्ड आएंगे थ्री कार्ड आएंगे तब हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे, एक कार्ड में मत यूज़ करो उसको। उसके बाद इन्होंने बोला पिक्चर कार्ड आएगा, तो पिक्चर कितने हो गए देखो टोटल 4+4+4 12 कार्ड हो गए, तो 12 में से एक कार्ड आना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी टोटल 52 है ना, हाँ 52 है, तो 12 अपॉन में 52 बन गया, बी की प्रोबेबिलिटी ये बन गई। आगे इन्होंने पूछा देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की तो हमने निकाल दी, आगे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी निकालो। अब ए इंटरसेक्शन बी पे आओ कैसे, ए कहता है कि वो स्पैड होना चाहिए, ठीक है, बी कहता है कि वो पिक्चर कार्ड होना चाहिए, देखो पिक्चर कार्ड कितने हैं हमारे पास, स्पैड के कितने होंगे 3 बनेंगे, एक तो स्पैड का किंग, एक स्पैड की क्वीन और एक स्पैड का जो जैक, तो कितने बन गए टोटल 3 कार्ड बन गए, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसमें कितने आएंगे, स्पैड भी हो और पिक्चर कार्ड भी हो, तो कितने बन गए ये 3 अपॉन में 52। नेक्स्ट कहता है ए यूनियन बी लो, तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला है हमारे पास कौन सा, पी ऑफ ए यूनियन बी, वैसे तो दूसरी तरह भी निकाल सकते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो निकाल दो भाई ये कितनी हमारे पास, ये रहा 1/4 प्लस में, अच्छा ये कैंसिल हो रहा है 2 पे, तो होएगा कैंसिल, नहीं करेंगे तो सही रहेगा कैंसिल, पूछो क्यों, क्योंकि ना आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है, तो इसको भी क्या लिखोगे देखो, ये है 13 अपॉन 52 प्लस में 12 अपॉन 52 और माइनस में 3 अपॉन में 52, ठीक है, तो ये आगे कैलकुलेशन आ जाएगी बच्चों, एक बार देख लो यहाँ से, क्या पता समझ ना आया हो मैंने कैसे किया है, अच्छा बच्चे एक बार साथ के साथ बताते रहो, समझ आ रहा है ना, देखो ध्यान से नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना बन गया, एक कार्ड आ रहा है 52C1, तो 52 आ गया, उसके बाद ए हमने मान लिया स्पैड है, तो स्पैड कितने थे 13 में से 1 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी बी क्या मान लिया पिक्चर कार्ड, तो पिक्चर कार्ड कितने थे 12 में से 1 आ गया, तो ये बन गया 12। अब बनाओ प्रोबेबिलिटी किसकी, पी ऑफ ए कितना बन गया 13 अपॉन 52, कैंसिल आउट कर दिया 1/4। सेकंड बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन 12 में से 12/52, ये बन गया, कैंसिल आउट मत करना बच्चों, बहुत आसान रहेगा आगे सॉल्व करना। आगे इंटरसेक्शन में देखो क्या है, इंटरसेक्शन है इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पैड, स्पैड भी होना चाहिए और पिक्चर कार्ड भी होना चाहिए, तो कितने होंगे देखो, एक तो स्पैड का किंग, एक स्पैड की क्वीन और एक स्पैड का जैक, तो 3 कार्ड हो गए, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 3C1, उन्हीं 3 में से आएगा ना कार्ड, तो 3 और प्रोबेबिलिटी बन गई 3 अपॉन में 52, कैंसिल आउट मत करना। अब आपको निकालना है ए यूनियन बी, अब इसमें कहता है भाई इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पैड और ए पिक्चर कार्ड, चाहे पिक्चर कार्ड आए चाहे स्पैड आए आपको बताना है टोटल, देखो दूसरे तरीके से बता दूं मैं आपको एक बार, देखो स्पैड कितने हैं हमारे पास 13, उसके बाद अच्छा पिक्चर कार्ड कितने हैं 12 है, ठीक है, इन 12 में से 4 कार्ड कितने हैं, 3 कार्ड किसके हैं स्पैड के, इसमें और इसके अंदर 3 कार्ड कॉमन है, तो दोनों को ऐड करोगे आप कितने बनेंगे
25 माइनस में 3 तो कितना बन गया 22, तो 22 अपॉन में 52 आ गया। आपने यूनियन लेनी है ना, यूनियन में हम क्या करते हैं देखो, जो कार्ड हमारा एक एक बार आ रहा है उनको तो हम रखते हैं, जो दो दो बार आते हैं उनको एक एक बार लिखते हैं, ऐसा ही करते हैं ना। तो आपको बन जाएगा 22 अपॉन में 52, एक बार मैं देख लूँ, हाँ दोनों में रिपीट हो रहे थे ना कार्ड, तो उनको हमने एक बार माइनस कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ से कैसे करेंगे, एक ही आ रही थी 13/52 प्लस में 12/52 माइनस में 3/52, ध्यान से देखो यही तो करके आए हैं, 52 अपॉन में 13 प्लस 12 माइनस 3 तो 22 अपॉन में 52 बन गई प्रोबेबिलिटी, क्लियर। मुझे ना एक बार सही सही बता देना, क्योंकि ना प्रोबेबिलिटी ऐसा टॉपिक है भाई जिसको अच्छा खासा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है ना, वो बच्चा ऐसे पजल हो जाता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर समझ नहीं आए तो मुझे बता देना, थोड़ी देर और लगा लेंगे, पर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कैसे तो कार्ड बाहर आ रहे हैं, कैसे उनकी प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं, ठीक है भाई। ज़रूर बता देना, ये मत सोचना कि चलो अभी समझ नहीं आई तो थोड़ी देर बाद खुद करेंगे तब समझ आ जाएगा, अभी के अभी कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है बच्चा। तो ये कैंसिल आउट कर देना, 11/26 आ जाएगा। क्वेश्चन है ओके, ये मैं आपको बता दूं, एमसीक्यूएस के ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस मत देखो, क्वेश्चन देखो क्या है। ए और बी दो इवेंट हैं, आर टू इवेंट, इस टू पे मत जाना कंफ्यूज करने के, लिखा हुआ है कि टू हम सोचेंगे प्रोबेबिलिटी है किसी की, सच दैट दोनों की इंटरसेक्शन दी हुई है और बी माइनस ए दिया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है बी बताओ। ध्यान से देखो, सबसे पहले डायग्राम बना ले, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, इन्होंने दिया क्या है हमें देखो, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी को मैं, इसके अंदर और कलर नहीं है भाई, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, मैं हाईलाइट कर रही हूँ एक बार, ध्यान से देखना आप इसको, आई थिंक दिख गया होगा अब, नहीं मेरे को ही नहीं दिख रहा, आपको कैसे दिखा होगा, कैमरा में, हाँ दिख रहा है बच्चों अब दिख रहा है, सर ने बता दिया है कि दिख रहा है, हमारे सर जी बैठे हैं यहाँ पे विशाल सर जी, और वो बता रहे हैं कि हाँ ये येलो कलर दिख रहा है, ठीक है, वो हमारे ना सिस्टम ऑपरेटर है, सारा काम वही देखते हैं बच्चों, पता नहीं कैमरे के सामने आए हैं कि नहीं आए, मैं बता देती हूँ कि सर जी बहुत अच्छा काम करते हैं। अब देखो भाई आगे क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, दूसरा देखो क्या है, बी में से ए माइनस कर दो, भाई बी में से ए कैसे माइनस करें, बी में से ए कैसे माइनस करना है, तो भाई बी के अंदर जितना ए आ रहा है, बी के अंदर जितना ए आ रहा है उसको बाहर निकाल दो। देखो ये रेड वाला हमारा बी है, बी के अंदर ये येलो जितना क्या है ए घुसा हुआ है आ रहा है, इसको बाहर निकाल दो, बी माइनस ए हो जाएगा, तो बी माइनस ए क्या होगा देखो, ये होगा बी माइनस ए, बी में से ए माइनस कर दिया ना हमने, लाइट चली गई क्या सर, बताओ भाई बच्चों लाइट चली गई और हमारा एसी बंद हो गया है, दुख की बात है ना, अच्छा बच्चों ये ब्लू वाला दिख रहा है, अब ध्यान से देखना, येलो और ब्लू अलग अलग है, ठीक है, ये दो चीजें ना हमें दी हुई है, हमें ये येलो वाला दिया हुआ, येलो वाला तो कौन सा ये रहा, रुको एक बार मैं येलो वाला, ये तो दिया हुआ देखो येलो और ये दिया हुआ आपका ब्लू वाला, और हमसे पूछा हुआ बी बताओ, आप ध्यान से देखोगे ब्लू और येलो को क्या कर दो, सम कर दो, बी बन जाएगा ना, वही करना है फिर आपको, करना क्या देखो, अब बी चाहिए ना हमें, इन्होंने बी पूछा है तो बी करोगे 3/25 प्लस में 8/25, तो सम करोगे तो 13/25, और यही आपका आंसर है। डायग्राम से अच्छे से समझ आए ना, यहाँ से तो पता नहीं क्या ही फॉर्मूला बनाते, डायग्राम बना के देख लो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अच्छा आपने देखा है सर जी को ऑफिस टूर वाली वीडियो में, अच्छे है ना सर जी, अच्छा है ना, और बात ना सर से पूछिए बताऊंगी, सर की एक दो खास बात और है, कल मैं इनसे पूछ के लिख रही थी, वो जैसे कार्ड के डिस्क्रिप्शन नहीं बताना था कि क्या होता है, मेरे को तो भूल गई थी मैं, तो मैंने तो पता नहीं कब, अच्छा उसमें ना सर ने मेरे को नहीं दिखाया था, आशीष सर को दिखाया था, उनकी उसके उनकी क्लास के टाइम पे वीडियो बनाई, मैंने कहा सर हमें तो छोड़ ही दिया आपने, ठीक है बच्चे 13/25 इसका आंसर बन गया,
अच्छा वो काटा तो हमने है ही नहीं, उसको कटेगा भी? कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने? ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है ना? अरे भाई इनको सम करोगे ना तो 11 आएगा, 11/25। कहाँ मैं विशाल सर की बातों में ना मैंने गलत और बता दिया, 11/25 आंसर आना है इसका। ठीक है देखो डायग्राम बना हुआ है, ये इंटरसेक्शन है, ये बी माइनस है और ये पूछे तो ए माइनस बी है। ठीक है ये रहा, और बस आ ही गया था उसका आंसर आई थिंक। अब देखो भाई हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये वाला और ये हमें दिया हुआ है। देखो इंटर यूनियन दे दी, इंटरसेक्शन दे दी और ये पूछ लिया, निकालते हैं कोई बात नहीं है। देखो ध्यान से अब, हाँ फॉर्मूला है हमारे पास, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही है फॉर्मूला बच्चों। तो इनमें जो जो कुछ दिया हुआ है ना वही रख दो। ये दिया हुआ है आपको 0.65, रख दिया। ये हमें दिया नहीं हुआ, प्लस में पी ऑफ बी हमें दिया नहीं हुआ, माइनस में ये दिया हुआ 0.15। अब इसको इधर ले आओ तो प्लस बन जाएगा, 0.65 प्लस में 0.15 इक्वल टू, देखो ध्यान से भाई इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इनको हम लिख सकते हैं कलर चेंज करके लिखेंगे। देखो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ ए होता है। अब पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, 1 माइनस पी ऑफ बी, ऐसे होता है। इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि पी ऑफ बी क्या हो गया, 1 माइनस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, और पी ऑफ ए कितना हो सकता है, 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब वाइस वर्सा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ वही लिखने वाले हैं, इसको मैंने लिखना है 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और उसको तो हम इधर ले ही आए थे, ये स्टेटमेंट समझ आई क्या? क्या हमने इसकी जगह घुमा के लिख दिया, इसकी जगह घुमा के लिख दिया। हाँ ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इन दोनों को सम कर दो, 0.7 और 1.8 बन गया 0.,, ये बन गया। यहाँ देखो 1 + 1 कितना बन गया 2, माइनस में पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट लगा के मैं प्लस लगा दूँ इस पर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लगा दिया भाई। अब क्या करो, इस पूरे को तो इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस में पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 2 माइनस में 0.8, तो ये कितना बनेगा भाई, 1.2 बनेगा। ये आ गया आपका आंसर, समझाया कैसे किया? अरे थैंक यू बच्चा, आप लोग हो तो पढ़ रहे के टीचर्स हैं, आप लोग नहीं तो हम कहाँ से आएंगे। ठीक है आप लोग बने रहो, हम टीचर्स बने रहेंगे, आप लोग पढ़ते हो तो चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आंसर मैच कर गया, हाँ कर गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ए डजंट अकर। ओके देखो भाई इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें प्रोबेबिलिटी दे दी, ये रेड और ब्लैक तो ना मेरे को अच्छे नहीं लगते, अभी इसके अंदर ग्रीन अच्छा लगता है बस। देखो ए और बी दो इवेंट हो रहे हैं, ए की प्रोबेबिलिटी दे दी, बी की प्रोबेबिलिटी दे दी और इंटरसेक्शन की दे दी। अब आगे हमसे पूछा क्या, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए डज नॉट अकर, भाई ए नहीं हो रहा। हम पढ़ के आए ना अभी जो स्टेटमेंट थी थ्योरेटिकल, उसके अंदर भाई नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट ए क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे नॉन हैपनिंग ही हो गई ना, भी ए डज नॉट अकर, तो हम क्या निकालेंगे, पी ऑफ ए नॉट, तो ये किसके इक्वल होता है, देखो पी ऑफ ए और ए करेंगे तो 1 आ जाता है, तो पी ऑफ ए नॉट आपको निकालना है, तो 1 माइनस कर दो फटाफट इसको ए वाले को, 0.5, तो देखो भाई 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा। अब ये ना एग्जामिनर कैसे कर सकता है तो बहुत छोटी सी बात, 0.5 को 1/2 करके लिख दो, 1/2 करके लिख दो आंसर ही है यार, पर पॉइंट्स में लिख दो इसको, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, वैसे ना पॉइंट में कम और हम इसमें हाफ में ज़्यादा चलाते हैं प्रोबेबिलिटी को, मतलब दोनों का सेम ही है। ठीक है बिल्कुल ध्यान रखना है कि कैसे कन्वर्ट किया हुआ है। सेकेंड पार्ट है देखो, नाइदर ए और नॉट बी अकर, भाई ना तो ए होना ना बी होना, तो इसके लिए आप निकाल लोगे क्या, देखो ना तो हो रहा ए तो मतलब भाई ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ना हो रहा बी तो बी का कॉम्प्लीमेंट, इसे कहते दोनों ही नहीं हो रहे, दोनों ही नहीं हो रहे हैं, पक्का है ना दोनों नहीं हो रहे, तो भाई दोनों की इंटरसेक्शन है, जब ये कहते हैं ना दोनों हो रहे हैं पक्का है,
ठीक है, दोनों हो रहे हैं तो भी इंटरसेक्शन, दोनों नहीं हो रहे हैं तो भी इंटरसेक्शन, जो कंफर्म हो गया ना कि ये भी आएगा ये भी आएगा तो आप इंटरसेक्शन लेके आओगे। ऐसा आ जाए भी या इधर तो ये वाला आ जाएगा और तो ये वाला आ जाएगा, मतलब और का ऑप्शन दे दिया ना आपको, तो आप क्या करोगे यूनियन लगाओगे। और आती है तो यूनियन, अच्छा ये ऐसे आता है ना, मतलब इसमें ना इधर और नोर, आप ये मत सोचना कि इधर और वाला ना इधर नोर है, नहीं इसमें कंफर्म है दोनों ने नहीं आना, तो आप क्या लोगे इनकी इंटरसेक्शन। और ये किसके इक्वल होती है, देखो ये होती है हमारी डी मॉर्गन लॉ से, ए यूनियन बी उसका कॉम्प्लीमेंट। और ये कैसे निकलेगा, देखो वन माइनस में पी ऑफ ए यूनियन बी, देखो इसका कॉम्प्लीमेंट है तो वन में से अगर ये माइनस कर दे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ये निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, वन माइनस में ब्रैकेट लगा के लिख रही हूँ बच्चों में, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। अब देखो ए भी हमें पता है, बी भी हमें पता है, इंटरसेक्शन भी हमें पता है, सारी रख देंगे तो रख दो। वन माइनस में ए है 0.5, प्लस में 0.4 और माइनस में आ जाएगी 0.3। देखना भाई इसमें से ये माइनस करेंगे 0.1, इसको ऐड करेंगे तो 0.6, तो 1 माइनस 0.6 और ये आ गया 0.4। क्लियर है, समझ आया कैसे हुआ क्वेश्चन। ओके भाई नहीं समझ आए तो बता देना एक बार कि इसमें डाउट है, उसको दोबारा कर लेंगे। क्लियर, ये ना ऐसे थ्योरम भी आएगी है किसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। ओके भाई क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट हमारे पास, और ये भाई है कॉन्ट्रैक्टर का है भाई, कॉन्ट्रैक्टर मतलब कोई सिविल इंजीनियर है जिसने रोड बनाने का ठेका लिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर टू गेट अ रोड कॉन्ट्रैक्ट इज दिस एंड टू गेट अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। देखो भाई कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा अमीर है, उसको दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, रोड बनाने का भी मिल रहा है बिल्डिंग बनाने का भी मिल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी दी हुई है। देखो हम रोड वाले को आर से लिख लें और बिल्डिंग को बी से लिख लेते हैं, तो देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोड बनाने की कितनी है 2/3 लिख दी हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग बनाने की कितनी दी हुई है 5/9, यही दी हुई ना, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा इतनी प्रोबेबिलिटी है। और आगे दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी टू गेट एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट, भाई कम से कम एक तो मिल रहा है, दोनों भी मिल सकते हैं, तो एटलीस्ट वाले केस में आप क्या यूज़ करोगे, हमने थ्योरेटिकल में पढ़ा था एटलीस्ट वन है मतलब दोनों भी हो सकते हैं, तो आप यूनियन यूज़ करोगे ना, तो आपको क्या गिवन है भाई, ये अगर दिया हुआ है तो आपको गिवन है पी ऑफ रोड की आर यूनियन बिल्डिंग का बी, और ये दिया हुआ है 5/4, और आपको निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट बोथ कॉन्ट्रैक्ट, भाई उसको दोनों मिलेंगे पक्का है, तो आप क्या निकालोगे इंटरसेक्शन, दोनों का होना पक्का है बिल्कुल, तो आप निकालोगे इंटरसेक्शन। ये क्लियर हुआ भाई, आइदर ये हो आइदर वो हो, मतलब आइदर ये हो और वो हो तो यूनियन, ठीक है, या फिर ऐसे दे दे एटलीस्ट वन हो रहा है, एटलीस्ट वन हो रहा है तो दोनों भी हो सकते हैं बच्चों, कम से कम एक तो जरूर होगा, तो वहाँ पे क्या आएगा यूनियन, मतलब इस सेट में से भी आ सकता है उसमें से भी आप यूनियन लोगे। अगर कह दिया भाई दोनों ने होना है तो क्या लोगे इंटरसेक्शन, ठीक है, तो अब आपको इंटरसेक्शन निकालनी है, फिर निकालने दोगे, सीधा सा फॉर्मूला नहीं बन रहा, देखो पी ऑफ, देखो आप ऐसे कर लो चाहे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, देखो माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ना, इसको उधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन निकालनी है ना इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोड की और बिल्डिंग की दोनों मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/3 प्लस में 5/9 माइनस में 4/5, तो भाई माइनस प्लस करनी है, आप कर लोगे ना, छोड़ दो। ओके मैं इसको छोड़ देती हूँ, आप कर लेना इसको। हाँ हमें इंटरसेक्शन निकालनी है इसके अंदर,
क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट इसको मिल रहे हैं तो फॉर्मूला लगाना है बस। नहीं ऐसे आएंगे बच्चों, ये साफ साफ हमें नहीं बोलेगा कि आप इंटरसेक्शन निकालो, ना कहेगा कि यूनियन निकाल के दिखाओ। ऐसा हो सकता है वो दे दे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालो, या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, वो डायरेक्ट दे सकता है। उसमें भी ऐसे बोलते कि बी माइनस ए निकालो, ए माइनस बी। कन्फ्यूज़ नहीं होना, अगर लगे कि कन्फ्यूज हो रहे हो फटाफट से डायग्राम बना लेना, हाईलाइट कर लेना, ये बच रहा है और ये बच रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें ना डायग्राम से बहुत जल्दी समझ आती हैं। माइनस कर देना भाई, माइनस प्लस इनकी आंसर आ जाएगा। ये क्या दे दिया इन्होंने। अच्छा ठीक है भाई, ये थ्योरम है, डायग्राम से समझा दूँ ये मैंने ऐसे छोड़ दी, रिजल्ट याद रह जाए ताकि आपको भाई ए माइनस बी निकालने को दे दे तो क्या करोगे। देखो प्रूफ प्रूफ मत करना इनका बिल्कुल भी। ये रहा हमारे पास ए, ये रहा हमारे पास बी, और इन्होंने क्या कहा कि ए माइनस बी, भाई ए में से बी निकालना है। देखो बी का कितना हिस्सा है ए के अंदर, ये रहा ए के अंदर यही हिस्सा है ना बी का, तो आप इसको माइनस कर दो। और ये है क्या असल में, ये तो ए इंटरसेक्शन बी है। देखो आपको करना है क्या, ए में से बी को माइनस करना है। भाई ये रहा तो ए हमारा, देखो ये टोटल हमारा क्या है, ए है, और ए में से आप चाहते हो बी को माइनस करना, तो इस वाले हिस्से को तो क्या ही माइनस करोगे जब ये इसके अंदर आ ही नहीं रहा। आ कौन सा रहा है, इंटरसेक्शन वाला, तो ये बनेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नहीं पी ऑफ ए, ए में से इंटरसेक्शन माइनस करनी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ऐसा पूछे ना कि ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर देना फटाफट। और ये और क्या होगा, देखो ए में से बी माइनस करोगे तो बचेगा कौन सा, ये भी मैं आपको बता दूं। देखो कलर से बता देते हैं, नहीं येलो भी आ चुका है, ब्लू से बता देते हैं। देखो माइनस करोगे तो ये बचेगा, और इसका एक और फॉर्मूला भी बनेगा, वो भी बताऊं। देखो ब्लू दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, और बल्कि ब्लू तो ना मेरे को ही दिखेगा अब तो इसके अंदर कैमरा में। अब आगे देखो क्या है, आगे देखो क्या है, इसको आप और क्या लिख सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं। देखो ए है ये, ठीक है ए है, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होएगा, देखो ये बाहर वाला सारा ये होएगा, ये है बी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों। तो ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये भी कौन सा रीजन होगा, यही वाला रीजन होगा भाई, ए में से बी जो माइनस करा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको ये दिया हो या फिर आपको ए माइनस बी दिया हो, तो ये मत सोचना दोनों अलग चीजें, अभी बिल्कुल सेम चीज है ये दोनों। क्लियर है बच्चा, आगे चले, थ्योरम प्रूफ मत करना बच्चों इसका बिल्कुल भी। मन करे देखने का तो देख जरूर लेना, बस दिमाग नहीं घिसाना इसके ऊपर। ये भी वही चीज है भाई, देखो क्या लिखा हुआ है, देखना P ऑफ A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ये हम अभी करके नहीं आए, इसको हमने क्या लिखा था, P ऑफ A यूनियन B उसका कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने लिखा था 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, और इसको हमने क्या लिखा था 1 माइनस में P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये लिखा था। यही तो बताना, माइनस को अंदर भेज देना बस, हो जाएगा ना, छोड़ देते हैं अब इनको भी हम। क्वेश्चन आ गया भाई हमारे पास अब एक, और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, एक और बच्चा आ गया, तीन जने देख रहे हैं, तो तीसरा कौन है भाई, कमेंट करके बताओ, आप तो नहीं हो सर भाई, तीसरा बच्चा कौन है हमारा, ये कमेंट नहीं करता। क्वेश्चन पढ़ लो भाई सबसे पहले, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ब्लू भी नहीं लेते, ग्रीन ही लेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन ए, ए निकालना भाई, ठीक है, और अ स्पैड, और दे दिया भाई बीच में, मतलब यूनियन चाहिए अब हमें, स्पैड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। कर लेते हैं भाई, देखो सबसे पहले P
पी ऑफ ए निकलने की क्या है, ये ए को मैंने लिख दिया, देखो भाई इसको तो हम ए से लिख देंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, दो इवेंट हो रहे हैं ना। अब एक एक ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो टोटल ए कितने होते हैं, चार होते हैं, तो चार में से कोई एक आएगा डिवाइड में, टोटल कार्ड कितने हैं 52C1, एक ही तो कार्ड निकालना है ना, तो हम क्या लिखेंगे 4/52, ये बन जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा स्पैड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैड क्या बनेगी, तो स्पैड के कितने हैं 13C1/52C1, ये बन गया 13/52, क्लियर है। अब इसने कहा भाई या तो ये होगा या तो वो होगा, तो अब इंटरसेक्शन चाहिए कि हमें फॉर्मूला लगाने के लिए, ध्यान से देखो पी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है, तो इसके लिए अब हमें इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन और निकाल लो भाई। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है भाई, कार्ड आपका ए भी हो और स्पैड भी हो, तो स्पैड के ए कितने होते हैं, एक ही होता है भाई, वो तो दो तो नहीं होते ना, स्पैड का ए कितना होता है, सिर्फ एक होता है, तो हम लिखेंगे 1/52, एक ही तो होता है ना, तो एक 1/52 बन गया। अब आगे देखो क्या ये निकालना है, तो कर दो भाई 4/52 प्लस में 13/52 माइनस 1/52, तो ये बन जाएगा 17 में से बन गया 16/52, और इसको कैंसिल आउट कर देना, क्लियर है। एडिशन थ्योरम लगा दी और ये कैंसिल आउट होके भाई 4/13 आंसर आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिकेट टीम बन रही है भाई यहाँ पर, और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार ध्यान से कि क्या तो पूछा हुआ है, क्या हमें निकालना है। हाँ, एक क्लास है उसके अंदर 60 तो बॉयज है 20 गर्ल्स है, ठीक है, 60 तो लड़के हैं 20 लड़कियां हैं, आगे क्या है, हाफ ऑफ द बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स नो क्रिकेट, भाई आधे लड़कों को क्रिकेट खेलने आते हैं, आधे लड़कियों को क्रिकेट खेलने आती है, ध्यान से देखो जब 60 बॉयज हैं तो उसमें से कितनों को क्रिकेट खेलने आई, 30 को, 20 गर्ल्स है तो इसमें से कितनों को क्रिकेट खेलना आया, 10 को, ये स्टेटमेंट इसने दी हुई है। टोटल बच्चे कितने, भाई सैंपल स्पेस हमारा बनेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल बॉय 60 हैं, टोटल गर्ल 20 हैं, तो 60 प्लस 20 कर दोगे 80, क्योंकि जो भी बच्चा आएगा हम लेंगे तो इसमें से ही आएगा ना, टोटल इतने बच्चों में से, तो सैंपल स्पेस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बन गया हमारा 80। आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट अ पर्सन सिलेक्टेड फ्रॉम द क्लास, क्लास में से पर्सन आया, क्लास में से बच्चा आया, तो सैंपल स्पेस कितना बन गया है 80। कैसे भी, आइदर तो वो एक लड़का हो, आइदर तो वो एक लड़का हो, दूसरा क्या है, और अ गर्ल हु नो क्रिकेट, या तो वो लड़का होगा, लड़का नहीं है तो वो एक लड़की होगी जिसको क्रिकेट आती है, ठीक है, और दिया हुआ बीच में तो आपको निकालनी है यूनियन, ठीक है। पहला इवेंट हमने मान लिया, अभी बॉय के लिए हम बी लिख लेते हैं, गर्ल वाले के लिए हम जी लिख लेते हैं, ये वाला बी वाला इवेंट बॉय आने का है, गर्ल वाला इवेंट सेकंड वाला इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय की क्या है भाई, देखो नंबर ऑफ इवेंट देखोगे कितना बनेगा, देखो अगर बॉय आता है तो बॉय कितने हैं टोटल 60 में से ही कोई होएगा, एक ही बच्चा लेना है ना, तो 60C1, उसके बाद सैंपल स्पेस कितना आ रहा है हमारा, देखो 80, तो 80 में से प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनेगा, ये बन गया 60, तो ऐसे लिखेंगे तो बच्चों ऐसे देखो 80C1, और मैं इसको अब ऐसे लिख देती हूँ 60/80, देखो 80 में से एक बच्चा है तो नीचे लिखा जाएगा, टोटल केसेस है ना, फेवरेबल केस कितना बन रहा है भाई, वो बॉय होगा, बॉय कितने हैं 60, तो 60 में से एक आ गया, प्रोबेबिलिटी बन गई। सेकंड कहता भाई वो गर्ल है, और वो भी कौन सी गर्ल है, जिसको क्रिकेट आती है, ठीक है, तो क्रिकेट कितनी लड़कियों को आती है, बस 30 लड़कियों को क्रिकेट आती है, नहीं 10 लड़कियों को क्रिकेट आती है, तो इसके लिए नंबर ऑफ जी क्या बनेगा 10C1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या बन जाएगी 10C1/80C1, तो 10/80, तो इसको कैंसिल कर लो भाई, 1/8 बनेगा, यहाँ से कैंसिल करोगे 6/8, और इसको भी काटना मत आगे, ठीक है। नेक्स्ट ये कहता है आपको निकालनी है और माने आपको चाहिए यूनियन, तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन जी, तो इसके लिए आप एडिशन थ्योरम लगाओगे,
उसके लिए आपको चाहिए इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या आएगा भाई, वो बॉय भी होना चाहिए, वो गर्ल भी हो जिसको क्रिकेट आता हो, क्या आ सकते हैं इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट। और ये भी बात भाई, ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन में कुछ आए, हो सकते नहीं आए। नहीं आने का मतलब क्या, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर बॉय है तो गर्ल नहीं हो सकती, वो गर्ल तो कहाँ ही होएगी जिसको क्रिकेट आती हो, अगर वो गर्ल है तो वो बॉय नहीं हो सकती। तो दोनों इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया, ज़ीरो, कुछ भी नहीं आया। अगर इंटरसेक्शन ज़ीरो है, पी ऑफ जी इंटरसेक्शन बी क्या आया अपना, फाइ आया है, जीरो आ गया, मतलब फाइव कह लो जीरो कह लो, बात एक ही है, वो जीरो है। तो अब यूनियन किसके इक्वल होएगी भाई, ये तो बन गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और बी यूनियन जी हो जाएगा, पी ऑफ बी प्लस में पी ऑफ जी। तो बी कितना भाई, 6/8 है, और जी कितना, 1/8, तो ये बन गया 7/8 आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है? थर्टी सी वन, नहीं बच्चों देखो, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, आपको बता दो, देखो ये स्टेटमेंट तो अलग है, ये स्टेटमेंट के वो सिर्फ बॉय होगा। अगर ऐसा होता ना कि बॉय भी वो है जिसको क्रिकेट आती है और गर्ल भी वो है, ये जो क्रिकेट आता है ना ये सिर्फ गर्ल के साथ है, देखो ये सिर्फ गर्ल होनो क्रिकेट है, ऐसा नहीं है कि बोथ वही लेने भाई, या तो वो लड़की हो या तो वो लड़का हो जिनको क्रिकेट आता हो, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, पहला इवेंट कह रहा है सिर्फ बॉय होगा, आइदर बॉय, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा हुआ, आइदर अ बॉय हूनो क्रिकेट और अ गर्ल हूनो क्रिकेट, ऐसा भी हो सकता है। इसके देखो चार क्वेश्चन और कैसे बनेंगे, हम आपको बता, देखो आइदर अ बॉय हू डोंट नो क्रिकेट, क्रिकेट, और देखो आइदर आ गया और अ गर्ल हूनो क्रिकेट। देखो अब यहाँ से, यहाँ तो हमने लिखा हूँ नो, हूँ डोंट नो क्रिकेट, आगे हम लिख सकते हैं आइदर अ बॉय हूँ नो क्रिकेट और गर्ल हूँ नो क्रिकेट, दोनों को क्रिकेट आती है, फिर इसको आती है गर्ल को नहीं आती, फिर इसको आती है गर्ल को, मतलब दोनों को नहीं आती, ऐसा केस भी हो सकता है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपको समझना क्या, देखो यहाँ लिखा हुआ आइदर अ बॉय, सिर्फ बॉय है तो बॉय है 60C1, ऐसा नहीं है कि बॉय हूनो क्रिकेट, क्रिकेट 30 जानते हैं, टोटल तो 60 है ना, तो 60 में से आएगा बॉय, और यहाँ है अ गर्ल हूनो क्रिकेट, तो कितनी लड़कियों को क्रिकेट आती है, सिर्फ 10 लड़कियों को क्रिकेट आती है, ऐसे लिखा हुआ कि 30 बॉय है, 10 ये गलत लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे गलती आई, 10 गर्ल्स हो जाएंगी जिनको क्रिकेट आता होगा, कोई बात नहीं भाई, इसको करेक्ट कर लेना आप अपने नोट्स में। तो टोटल 40 स्टूडेंट है जिनको क्रिकेट आती है, पर ऐसा पूछा नहीं हुआ। देखो इवेंट वन है सिलेक्टिंग अ बॉय, सिर्फ एक बॉय सिलेक्ट करना है, इवेंट टू क्या कहता है कि एक गर्ल को सिलेक्ट करना है, अगर ऐसा लिखा होता है बॉय को भी क्रिकेट आती है वो बॉय सिलेक्ट करना है और गर्ल भी वो सिलेक्ट करनी है जिसको क्रिकेट आती है, पर बॉय वाले में मतलब स्टेटमेंट में है ऐसा, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें आपने। अब आपको निकालने हैं दोनों की यूनियन, तो बॉय तो 60 में से आएगा ना, सिर्फ बॉय है, क्रिकेट वाला नहीं है, और गर्ल कौन सी है जिसको क्रिकेट आती है, तो ये बनेगी प्रोबेबिलिटी, और इंटरसेक्शन में कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि दोनों ही अलग अलग इवेंट है। हुआ बच्चे क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो हमारे पास ए बी सी तीन हॉर्स है एक रेस के अंदर, तीन ही घोड़े हैं रेस के अंदर, आगे क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू विन द रेस इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, भाई ए के जीतने के चांसेस बी से डबल है और बी के जीतने के चांसेस सी से डबल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी इन द रेस। देखो ध्यान से, अब हमने मान लेते हैं कि तीनों में से कोई एक घोड़ा तो जीत ही रहा है, हो रहा है ऐसा, तो एस बनाएंगे जो टोटल है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो ये स्टेटमेंट दी हुई है भाई, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बी से डबल है और बी के जीतने की सी की डबल है, तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, टू को ए के पास लेके चले गए हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं, 5 मिनट है और मेरे ख्याल इसके बाद एक और क्वेश्चन भी है, तो अपने को दोनों क्वेश्चन करने हैं, ख़त्म करके छोड़ेंगे इसको, तो मतलब ज़्यादा तो बड़ी नहीं है पर छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को। टू को उधर ले गए, यहाँ से भी टू को इधर ले आओगे, ठीक है, यहाँ से एक और केस बना सकते हो आप बच्चों,
देखो क्या यहाँ पे b लिखा हुआ है ना, तो p ऑफ c किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 p ऑफ a, ठीक है। इसको आगे यूज़ करेंगे, b की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1/2 p ऑफ a, तीनों को a की फॉर्म में लिख लिया। अब देखो s क्या है, जो हमारा विनिंग है, या तो a जीतेगा या b जीतेगा या c जीतेगा, ठीक है। तो तीनों में से किसी एक ने तो जीतना है, तो हमारा जो टोटल सैम्पल स्पेस आएगा वो तीनों की यूनियन आएगा। देखो हमने एग्जॉस्टिव इवेंट पढ़ा था, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या था, दोनों में से तीन सारे केसेस में से एक केस तो ज़रूर हो रहा है, और जो हमारा सैम्पल स्पेस है वो तीनों सारों की यूनियन करने पे बनता है। जो सैम्पल स्पेस है वो तीनों की सारों की यूनियन करने पे बनता है, ये वो वाला केस है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, मतलब तीनों में से कोई एक तो ज़रूर हो रहा है, ठीक है, कोई एक तो ज़रूर जीत रहा है, और तीनों को मिलाएंगे तो टोटल सैम्पल स्पेस बनेगा हमारा। ऐसा नहीं है कि इनमें से एक और घोड़ा है जो कि हमने लिया नहीं है, यहाँ तीन ही घोड़े रेस में, तीनों में से एक जीतेगा और तीनों मिला के हमारा सैम्पल स्पेस बना देंगे, तो ये होगा। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ एस करेंगे, या तो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बन जाएगी। अब आगे क्या चांस है, देखो भाई क्या, देखो इसके इक्वल हो जाएगी। अब टोटल पीएस कितनी होती है हमारी, 1 होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है सैंपल स्पेस की, 1 होती है, क्योंकि देखो सैंपल स्पेस में जैसे कि डिस्क डाई थ्रो कर दी मैंने, 6 हमारे आउटकम आ सकती हैं, तो टोटल 6/6 करेंगे 1 आएगा ना, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। क्या होती है सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी, 1, क्योंकि उसके अंदर सारे केसेस होते हैं। आगे देखो क्या है, तो 1 इक्वल टू क्या बन गया, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। क्यों है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव क्यों है, देखो ए जीतेगा तो बी नहीं जीत सकता, सी नहीं जीत सकता, बी जीत गया तो ए और सी नहीं जीतेंगे, जीतना तो किसी एक ने ही है ना, तो हम क्या कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से होते हैं, जब एक का होना फिक्स हो बाकी किसी का होना फिक्स ना हो। एक अब माँ हमारा इवेंट अक्कर करेगा तो बाकी कोई अक्कर नहीं करेगा, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये तीनों क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ से हमें पता चला ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो आएगा, बी इंटरसेक्शन सी ज़ीरो आएगा, सी इंटरसेक्शन ए ज़ीरो आएगा, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी ज़ीरो आएगा। तीनों तो नहीं जीत सकते ना, इंटरसेक्शन कहती है अभी तीनों काम होएंगे, ए और बी की इंटरसेक्शन है तो दोनों होएंगे, दोनों तो जीत ही नहीं सकते, एक ने जीतना है, तो सारी इंटरसेक्शन जीरो आ गई। तो ये क्या कहता है कि पी ऑफ एस है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी होगी, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो 1 इसके इक्वल आ गया। अब आपको पता है पी ऑफ बी किसके इक्वल था, 1/2 पी ऑफ ए लिख दिया हमने, पी ऑफ बी किसके इक्वल था, 1/2 पी ऑफ ए के, सारों का सम करा तो पता चला 1 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, पी ऑफ ए को कॉमन ले लो, ये आ गया, यहाँ से 7/4 क्या हो गया, पी ऑफ ए इक्वल टू 1, पी ऑफ ए को इधर रखो, इसको इधर ले आओ, तो हमारे पास बेसिकली पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमें क्या पता है कि पी ऑफ ए किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ बी, तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मतलब 1/2 है इसका, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया 2/7, और उसी तरह पी ऑफ सी निकाल देंगे उसको हाफ करके, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, भाई क्वेश्चन तो मेरे ख्याल एक दो और रहते हैं और अभी क्लास का टाइम होने वाला है। इन अ कमेटी ऑफ 25 मेंबर ईच मेंबर इज प्रोफिशिएंट आइदर इन मैथमेटिक्स और इन स्टैटिक्स और इन बोथ। देखो भाई तीन केस हैं, या तो वो मैथ में प्रोफिशिएंट है, उसको मैथ अच्छे से आता है, या फिर उसको स्टैटिस्टिक आता है, या फिर दोनों आते हैं, यही है इस मेंबर इसके अंदर। आगे क्या है, देखो उसमें से 19 तो ऐसे हैं जिनको मैथ सही आता है, 16 ऐसे हैं जिनको स्टैटिस्टिक आता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सेलेक्टेड फ्रॉम द कमेटी इज प्रोफिशिएंट इन बोथ, जिसको दोनों आते हों, ये हमसे पूछा हुआ है। तो हमसे पूछा क्या है, देखो इंटरसेक्शन पूछ ली, जिसको दोनों चीज़ आती है वो इंटरसेक्शन होगी। ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, 25 मेंबर हैं, इनको या मैथ आता है या स्टैटिक्स आता है या दोनों आते हैं, तो बेसिकली हमें क्या दे दिया, पी ऑफ ए, अच्छा मैथ के लिए एम यूज़ कर लेते हैं और स्टैटिक्स के लिए हम एस यूज़ कर ले, तो ये दे दिया हमें यूनियन। ये कितनी हो जाएगी, देखो 25 तो टोटल हैं, और 25 के 5 में से किसी को कुछ आता है किसी को कुछ, मतलब सबको कुछ ना कुछ आता है, तो 25/25 कितना बन गया, 1 आ गया, प्रोबेबिलिटी बन गई ए यूनियन बी की, मतलब दोनों का यूनियन करेंगे तो 1, और हो सकता है यूनियन 1 या 1 से छोटा होता है, ये मत कहना कि 1 नहीं हो सकता, यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 आ सकती है, बाकी किसी की नहीं आती, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, इन्होंने कह दिया कि मैथ किस किस को आता है,
मैथ वाले कितने हैं 19, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 19/25। अब पीओ स्टैटिस्टिक वाले कितने हैं 16, तो 16/25। अब हमें निकालना है कि जिनको दोनों आते हो, मतलब कि इंटरसेक्शन पी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस, तो कैसे निकालोगे, पी ऑफ एम प्लस पी ऑफ एस माइनस में पी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस, यही होगा। अच्छा, यूनियन आ जाएगा यहाँ पे, इंटरसेक्शन बाहर लिख लिया हमने, तो इसको लिख दो भाई 19/25 प्लस में 16/25 और माइनस में 1, इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ये इवेंट मान लिए हमने, दूसरी तरीके से मान लिए, ये लगा देंगे इसके अंदर थ्योरम और सॉल्व करेंगे तो 10/25 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देना, 2/5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है इफ अ टिकट इज रैंडमली सिलेक्टेड, कहाँ से, फ्रॉम टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 30, भी 1 से लेके 30 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं टिकट के ऊपर। अब आपको टिकट उठानी है, वहाँ से एक ही टिकट उठानी है तो उसमें कोई ना कोई नंबर होगा, प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो सैंपल स्पेस में कितने नंबर आ गए हमारे 30, क्योंकि 1 से लेके 30 तक के क्या है टिकट के ऊपर नंबर लिखे हुए, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए सैंपल स्पेस में 30। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, अब मल्टीपल ऑफ 5 और 7, मतलब 5 का भी मल्टीपल हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, फेवरेबल केस निकालो, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम, इसके फेवरेबल केस क्या बनेंगे, देखो 5 के मल्टीपल निकालो 30 तक के, तो सबसे पहला बन गया 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 और फिर 30 बन गए। अब 7 पे आ जाओ, तो 7, फिर 14, फिर 21, 28 ये बन गए। क्या इनमें कुछ कॉमन है, नहीं है, तो फेवरेबल केस क्या बनेंगे सारे के सारे, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हो गए 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई पहले इवेंट की, इसका क्या नाम 1 रख देती हूँ मैं, इवेंट नंबर 1 है भाई ये, इसकी बन जाएगी, ये कितने थे हमारे 4 6 और 4 10 हो गए, तो 10/30, टोटल 30 है ना, एक टिकट आया, तो इसको देखो लिखेंगे तो इसको ऐसे 10C1/30C1, पर एक एक ही आ रहा है तो 10/30 कर दोगे, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस ये कह रहा है कि अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5, तो 3 और 5 के मल्टीपल ढूंढो फेवरेबल केस के लिए, 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30, और 5 के मल्टीपल हो जाएंगे 5 10 15 20 25 और 30, जो कॉमन है उनको एक बार लिखना है। तो देखो कॉमन कौन सा आ रहा है, एक तो 15 कॉमन आ रहा है और एक 13 कॉमन आ रहा है, तो इनमें सभी एक एक को लिखना है, दोनों नहीं काटने, एक एक बार गिनना है इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल कितने बन गए ये 14, तो 14C1 और 30C1, तो ये बन जाएगा 40/30, कैंसिल कर देना 7 15, तो 7/15 बन गया आपका आंसर, क्लियर। भाई जहां पे डाउट हो ना एक बार बता देना, आई थिंक एक और क्वेश्चन रहता है अभी, तो करेंगे भाई क्वेश्चन तो करके जाएंगे, ये वाला भी छोड़ना नहीं, ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो यही और कर लेते हैं। ABC 3 न्यूज़पेपर हैं, पब्लिश होते हैं एक सिटी के अंदर, आगे स्टेटमेंट दी हुई है 20% पॉपुलेशन क्या करती है ए वाले न्यूज़पेपर को पढ़ती है, फिर 16% क्या है बी को पढ़ती है, फिर 14% क्या करती है सी को रीड करती है। ध्यान से देखो, इन्होंने साथ के साथ हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, पी ऑफ ए दिया है इन्होंने 20% है ना, तो 20/100 हो गया। पी ऑफ बी, बी न्यूज़पेपर को कितने लोग पढ़ते हैं 16%, तो 16/100। पी ऑफ सी कितना है, तीसरे वाले न्यूज़पेपर को कितने लोग पढ़ते हैं 8%, नहीं रुको 16 बी को पढ़ते हैं 14 सी को पढ़ते हैं, तो 14/100। उसके बाद देखो क्या है, 8% ए और बी को पढ़ते हैं, दोनों को पढ़ते हैं ना, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है हमें 8/100, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या दिया हुआ है, जो बी और सी को पढ़े, ए बी को पढ़ रहे हैं, बी और सी वाला कहाँ है ये रहा, बी और सी को पढ़ते हैं 4% लोग, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी को कितने पढ़ रहे हैं
ए और सी को पढ़ रहे हैं 5% लोग, और आगे एक और स्टेटमेंट दी होगी 2% लोग क्या करते हैं तीनों को पढ़ते हैं, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने हैं 2% है भाई। सब कुछ दिया हुआ है, हमें निकालना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु रीड एटलीस्ट वन, मतलब एटलीस्ट वन क्या कहता है तीनों में की यूनियन निकालनी है भाई, या तो एक पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं या तीनों पढ़ते हैं, यूनियन निकालनी है एटलीस्ट वन दिया हुआ है। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें रख देना भाई, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये रही इसकी सिंप्लीफिकेशन, और आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं भाई। जो भी डाउट है वो कल बता देना, घर पे रहना, सेफ रहना, चाय कॉफ़ी पीते रहना। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू सो मच।